नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बनाने वाले नए स्वाद के साथ नया तरीका है दोस्तों। यहाँ पर हमने बनाया है पालक का परोठा, वो भी मसाले वाला। रिजल्ट देख रहे हो कितना सॉफ्ट है और मुलायम है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये रेसिपी आपने आखिरी तक देखना है। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फिर ज्यादा बातें करते नहीं, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 200 ग्राम पालक लेनी है दोस्तों। तो पालक के सिर्फ यानी सिर्फ हमें यहाँ पे पत्ते चाहिए इस तरह से। अब यहाँ पे एक बर्तन लेना है। बर्तन के अंदर हमने एक लोटा पानी डाल देना है और पानी को अच्छी तरह से उबाल लेना है कड़क। अभी यहाँ पर पानी अच्छी तरह से उबालना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हल्का सा नमक डाल देना है पानी के अंदर ही। अभी इसी के साथ हमें पालक डाल देनी है। और हाँ दोस्तों, पालक को सिर्फ यानी सिर्फ 2 मिनट ही रखना है पानी के अंदर। ज़्यादा पालक को कुक कर दोगे और पालक का जो कलर होगा ग्रीन नहीं आएगा, फिर हल्का सा लाइट कलर आएगा। तब हमें ग्रीन कलर के लिए यहाँ पर सिर्फ यानी सिर्फ पालक को 2 मिनट पानी में रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बराबर 2 मिनट रख लिया हुआ है। पालक इतना सॉफ्ट हो चुका है और कलर भी परफेक्ट ग्रीन आ गया है। अभी मेन प्रोसेस करना, अभी एक बाउल में हमें ठंडा पानी ले लेना है दोस्तों और तुरंत ठंडे पानी में डाल देना है। अभी यहाँ पे ठंडा पानी लिया हुआ है, अभी यहाँ पे पालक डाल देनी है। ये करने से कारण क्या होता है, पालक का जो कलर है ना एकदम ग्रीन आता है। तो अभी से 2 मिनट के लिए इसके ठंडे पानी में रखेंगे पालक को। अभी यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, हमने पानी में रख लिया हुआ है। अभी एक जगह हमने मिक्सर भी ले लिया है छोटा वाला। तो अभी इसे पालक लेना है और इसे हल्के से निचोड़ लेना है इस तरह से। जो भी पालक में एक्स्ट्रा पानी होगा वो हमें नहीं चाहिए दोस्तों। इस तरह से देख रहे हो, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने पानी नहीं डालना है, इसे हमें ऐसे ही महीन पीस लेना है, वो भी बिना पानी के। तो हमें इसे महीन पीस लेते हैं पालक को। अभी यहाँ पे अच्छी तरह से हमने महीन पीस लिया, आप देख सकते हो कितना परफेक्ट डार्क ग्रीन कलर आ गया। इस तरह से हमें ये कलर चाहिए, तो इसलिए हमने गर्म पानी में से तुरंत ठंडा पानी डाला तो ये कलर एकदम परफेक्ट आ गया। अभी करेंगे इसका मसाले की तैयारी। यहाँ पर हमने एक कुटन ले ली है दोस्तों। तो कुटन में हम मसाला बनाएंगे क्योंकि हमें कुटन में बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट कुटन की, इसलिए मैं ज़्यादा करके कुटनी का यूज़ करती हूँ मसाले के लिए। तो यहाँ पे हमने 10 या 12 लहसुन की कलियाँ ले लेनी है। इसी के साथ ही हमने डालना है 4 हरी मिर्च। यहाँ पर हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट कर लिया हुआ है। इसी के साथ ही जाएगा 1 चम्मच जीरा डाला है। 1/2 चम्मच यहाँ पे बड़ी सौंफ डालेंगे, इसकी जो फ्लेवर रहती है परोठे में बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। अभी इसके साथ ही हमने डालना है स्वाद अनुसार नमक डालना है। नमक डालने से क्या होता है, मसाला अच्छी तरह से कूटा जाता है। तो अभी इसे हम अच्छी तरह से कूट लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारा जो मसाला अच्छी तरह से कूट कर हो गया, आप देख सकते हो इसी तरह से हमें चाहिए एकदम परफेक्ट। हाँ दोस्तों, कूटने का जो स्वाद होता है परोठे में बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। अभी यहाँ पर हमने 2 कप जितना गेहूं का आटा लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप डालूंगी और 1/2 कप थोड़ा बचा के रखूंगी प्रेस करने के लिए। अभी यहाँ पर हमने कुटा हुआ मसाला डाल देते हैं पूरा ही। 1 चम्मच धना पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 3 चुटकी हींग, 1/2 कप जितना फ्रेश वाला दही। अभी यहाँ पे पीसी हुई पालक डाल देते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले ही मसाले में नमक डाला था तो अभी नमक नहीं डालना है। इस तरह से हमें सारी पालक डाल देनी है। जो भी अभी बची कुची पालक थी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं 1/2 कप जितना। अभी मुलायम होने के लिए यहाँ पे हमने 3 चम्मच ऑयल डालना है छोटे वाले। इस तरह से ऑयल डालने से क्या होता है, सॉफ्टपन आता है परोठे में। अभी यहाँ पे जो सारी सामग्री हमने डाल दी घेहूँ के आटे के साथ, अभी अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। हमें जैसा पानी लगा वैसे ही पानी डालना है। इस बात का आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें टाइट सा डो चाहिए, सॉफ्ट सा डो नहीं चाहिए। फिलहाल तो पहले अच्छी तरह से पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से ये। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम टाइट सा डो बना लिया है दोस्तों। यहाँ पे हमें थोड़ा भी पानी लगा नहीं दोस्तों, पानी लगा तभी डालना है नहीं तो नहीं डालना है। पर यहाँ पे हमें लगा ही नहीं है। तो कलर भी आप देख सकते हो एकदम ग्रीन कलर हमारा आ गया एकदम नेचुरल। यहाँ पे ना ही कलर डाला ना ही कुछ, ना सिर्फ पालक का ही कलर है ग्रीन वाला। तो इसी तरह से हमने टाइट सा डो बना लिया हुआ है। अभी हम इसे ढक्कन लगा के 10 मिनट को छोड़ देते हैं सेट होने के लिए डो को। अभी यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, डो हमारा परफेक्ट सेट हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच ऑयल डालना है और इसे अच्छी तरह से मसल लेना है डो को। जितना आप मसलोगे उतनी हमारा जो परोठा है एकदम सॉफ्ट और मुलायम लगेगा खाने में। तो अच्छी तरह से हम इसे मसल लेते हैं डो को। अभी यहाँ पर हमने अच्छी तरह से डो को मसल लिया, आप एकदम परफेक्ट चिकना और कलर देखो कितना परफेक्ट ग्रीन कलर आ गया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, खास करके बच्चे लोगों को देना है, बहुत ही हेल्दी ये पराठा।
बच्चे लोग ग्रीन सब्जी नहीं खाना पसंद करते, उनको कुछ ऐसे नए करके आप दोगे तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमने अच्छे तरह से चिकना रोल बना लिया हुआ है। अभी इसको हमें छोटे छोटे पेड़े बना लेते इस तरह से, देख रहे हो इस तरह से हमें पेड़े बना लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे पेड़े बना लिया हुआ है, अभी बाकी के पेड़े रख देते हैं और एक पेड़ा ले लेते हैं। और इस हथेली से हमें अच्छी तरह से मसल लेना है, क्योंकि अंदर से बाहर से अच्छी तरह से ये डो सॉफ्ट हो जाए, देख रहे हो इस तरह से। और इसे गोल गोल हथेली से और घुमा लेना है। अभी ये हमारी लोई बन गई है रेडी। अभी यहाँ पे जो मैंने बचाया था गेहूँ का आटा, उसमें एक बार डस्ट कर लेती हूँ। अभी इसे हमें बेलना है। अभी यहाँ पे बेलन लेना है। बेलन के साथ से पहले छोटी सी पूरी बना लेनी है हमें इस तरह से, देख रहे हो यह एकदम इजीली बेला जाता है। अभी यहाँ पर हमें घी लगा लेना है। यदि घी आपको खाना ज़्यादा पसंद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे और तेल भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने घी से लगाना है इस तरह से। इससे लगाने से क्या होता है, पराठा हमारा बहुत ही खाने में सॉफ्ट लगता है। अभी यहाँ पे मैंने घी लगाया हुआ, अभी इसे भी ऊपर से भी थोड़ा हल्का हल्का घी लगा लेती हूँ, देख रहे हो इस तरह से। इसे भी मैं इसे कर देती हूँ। अभी यहाँ पे गेहूँ का आटा लेना है और एक बार, और जो भी एक्स्ट्रा गेहूँ का आटा हमें इसे डस कर लेना है और इसे हमें इसे बेलते जाना है, देख रहे हो। वाह, इसी तरह इसे ही समझ में आता है कि जो हमारा जो पराठा है ना दोस्तों, बहुत ही मुलायम लगता है। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगती तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है, और इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर बनाना है। तो यहाँ पे ऐसे हमें ट्रायंगल शेप में हमें इसे बेलना है, जो भी जो दरारें दिख रही इसे हमें इसे दबा लेना है, यानी ट्रायंगल शेप अच्छी तरह से आ जाता है ये, देख रहे हो इस तरह से। ये थोड़ा अलग तरीका है, मेरा तरीका है, मैं इस तरह से घर पे बनाती हूँ ये परोठा, एकदम इजी तरीके से बन जाता है रेडी। अभी थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा फट गया, कोई बात नहीं, इसे हमें इसको ऐसे ले लेना है, इसे ऐसे दबा लेना है, यानी एकदम एक जैसे बन जाता है। और ज़्यादा मोटा भी बेलना नहीं और ज़्यादा पतला भी बेलना नहीं, इस बात का आपने ध्यान देना है। इस तरीके से हमने ये पराठा बेलना है। तो बाकी के सारे पहले पराठे हम बेल लेते, बाद में इसे हमें सेकना है। अभी यहाँ पे तवा रख लिया है, अभी तवे पे हम यहाँ पे परोठा डाल देते इस तरह से। हाँ दोस्तों, इसे तुरंत टच करना है, हल्की सी बबल्स आएगी थोड़ी सी, तभी हमें इसे टच करके पलटी करना है। अभी थोड़ी बबल्स आ रही है, अभी यहाँ पे इसे पलटी करेंगे इस तरह से। अभी अच्छी तरह से ये हो रहा है। अभी यहाँ पे हमने घी लगाना है। यदि आपको घी नहीं पसंद हो दोस्तों तो कोई बात नहीं, आप इसे तेल में भी कर सकते हो परोठा। ये देखो एकदम ओरिजिनल ये ग्रीन कलर आ गया है दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया लगता है। अभी इसे हमें पट्टी करेंगे इस तरह से चमचे के साथ ऐसे, और बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट है ये पराठा हमारा। इसी तरह से हमें घी लगाना है। आज की ये रेसिपी आपको ये कैसी लगती तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। अभी तक चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। इसी तरह से ये 2 मिनट के अंदर हमारा जो पराठा रेडी हो जाता है, इसे हमें इसी तरह से सेक लेना है, क्योंकि कच्चा ना रहे ये पराठा। क्या होता है, फिर कच्चा रह जाता है, खाने में मजा नहीं आती, फिर दांतों में इसे चिपचिपा लग जाता है। एकदम अच्छी तरह से धीमी आंच पे इसे सेकना है, गैस की में फास्ट नहीं रखनी है इस तरह से। तो ये हमारा पराठा रेडी हो गया, मैं आपको लेके बता देती हूँ, देख लो परफेक्ट। तो बाकी के सारे पराठे हम इसे बना लेते हैं पालक के। देखा ना दोस्तों, हमने कैसे नए तरीके से बना दिया है पालक का मुलायम सॉफ्ट पराठा। रिजल्ट आपके सामने है, एकदम नए तरीके से हमने बताया, और देखो रिजल्ट, और कितना सॉफ्ट है और एकदम मुलायम है रिजल्ट, एकदम इजीली टूट रहा है, देख रहे हो। एकदम पड़ वाली हमारी बन गई है पालक परोठा, और सेहत के लिए भी बहुत गुणकारी होते हो, खाना ही चाहिए ग्रीन सब्जी। इस तरह से हमने बनाया है दोस्तों। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगती तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहे दोस्तों। धन्यवाद।